अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? और आप सबका वेलकम है मेरे चैनल पे। तो ये अभी हम पिज़्ज़ा हट गए थे तो उसकी वीडियो है ये। तो यहाँ पर अम्मी रिशन सैलेड निकाल ली है। अम्मी को पिज़्ज़ा इतना पसंद नहीं है तो अम्मी रिशन सैलेड निकाल ली है। और अम्मी ही निकालती हैं रिशन सैलेड, क्योंकि हमें सही तरीके से निकालने नहीं आता। अम्मी अपने हिसाब से हर चीज़ निकाल लेती हैं रिशन सैलेड में। यहाँ पर रूल्स भी यही है कि आप एक दफ़ा में जितना आपको निकालना है आप एक दफ़ा में निकाल सकते हैं। पाकिस्तान में ये रूल्स हैं, बाकी अदर कंट्रीज में मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है शायद। तो यहाँ पे ऐसा है कि आप एक दफ़ा में निकाल सकते हैं जितना आपको निकालना है अपने हिसाब से। तो अम्मी सही निकाल लेती हैं, इतने निकाल लेती हैं कि हम आराम से पूरी 5-6 अफराद खा लेते हैं आराम से। अगर ज़्यादा होते हैं तो फिर 2 ले लेते हैं सैलेड। तो यहाँ पे हमने रिशन सैलेड निकाल ली है अम्मी, और चिकन फजीता पिज़्ज़ा और चिकन टिक्का पिज़्ज़ा और गार्लिक ब्रेड वो भी आ रही हैं। तो जब तक रिशन सैलेड खाएँगे हम, जब तक वो भी आ जाएगा पिज़्ज़ा और गार्लिक ब्रेड। तो काफ़ी टाइम बाद ही आना हुआ पिज़्ज़ा खाने। वैसे हम बाहर कभी जाते हैं तो कुछ कढ़ाई वगैरह खा लेते हैं। तो अम्मी, क्योंकि अम्मी की वजह से, अम्मी बोलती नहीं मैं पिज़्ज़ा नहीं खाती शौक से, क्योंकि वो होता है ना कि सब जो शौक से खाते रहे इंसान फिर वही खाना खा लेना चाहिए, इसलिए पिज़्ज़ा कभी कभार खाते हैं। क्योंकि अम्मी वगैरह पापा वगैरह तो शौक से नहीं खाते पिज़्ज़ा, कढ़ाई वगैरह या ऐसी चीज़ें खा लेते हैं शौक से। तो ज़्यादातर वैसे तो हम अम्मी घर में ही खाना बनाती हैं ज़्यादातर, कभी कभार ही होता है बाहर जाना तो हुआ बाहर का खाना खाना, वरना अम्मी घर में ही बनाती हैं, घर का ही खाना खाते हैं ज़्यादातर। तो ये अम्मी रिशन सैलेड ले आई और अच्छा बना के लेकर आई हैं रिशन सैलेड, तो इसमें तो हम आराम से खा लेंगे। तो ऐसा रिशन सैलेड हमसे तो कभी नहीं बनता भाई, ऐसा नहीं बनने वाला हमसे, क्योंकि हमें निकालना ही नहीं आता। पहले हम आए थे निकालने, पहले एक बार निकाला था मैंने और बाजी ने, वो तो निकाल ही नहीं पाया, इतना सा निकाल के लिया है। फिर वो दोबारा लेने के लिए अलग से फिर लेना पड़ता सैलेड, तो ऐसा हुआ था। तो हम बोलते भाई अम्मी ही निकालें, अब अम्मी अपने हिसाब से हर चीज़ निकाल के ले आई। बहुत ही मज़े का पिज़्ज़ा, पिज़्ज़ा हट का सबसे अच्छा है वैसे पिज़्ज़ा होता है, बाकी दूसरी जगह का मुझे इतना खास नहीं लगता पिज़्ज़ा। हमें वैसे पिज़्ज़ा हट का ही ज़्यादातर अच्छा लगता है। तो यहाँ पे चिकन फजीता पिज़्ज़ा और टिक्का पिज़्ज़ा यही 2 फ्लेवर हैं जो हम मंगवाते हैं। इसके अलावा हमने कभी एक बार ट्राई किया था सीख कबाब पिज़्ज़ा, तो वो तो अजीब सा था, पता नहीं क्या अंदर सीख कबाब भर दिए थे, ऑयली सीख कबाब, वो बहुत ही बुरा लग रहा था हमें। तो नया हम मंगवाते ही नहीं, ज़्यादातर हम यही मंगवाते हैं फजीता और टिक्का। तो यहाँ पे मंगवाइए कोल्ड ड्रिंक, ज़ाहिर सी बात है पिज़्ज़ा खाएं और कोल्ड ड्रिंक ना पिए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अब यहाँ पे पेप्सी मंगवाइए। अब जो लोग बोलते हैं कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी चाहिए वो भी पी रहे होते हैं चुपके से, मैंने देखा उन लोगों को। तो आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, और इंशाल्लाह आगे भी अच्छी अच्छी वीडियो आपको मिलेंगी। अभी तो पहली वीडियो थी तो ऐसी बना ली, तो इंशाल्लाह आपको और अच्छी वीडियो मिलेंगी। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।